इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, अगर न्यूमेरिकल में गिवन है प्योर इंडक्टर है, मतलब उसका सिर्फ एक्स एल कंसिडर करना है, आर कंसिडर नहीं करना। प्योर, अगर प्योर इंडक्टर है उसमें एक्स एल का अफेक्ट तो नोट करना है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर को नोट नहीं करना, वो निग्लेक्टेड है, प्योर इंडक्टर है, ओनली इंडक्टेंस का ही रोल है, आर का कोई रोल नहीं है। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो सिर्फ इंडक्टर है और इंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस आर भी होती है, एक्स एल भी होता है जब एसी करंट पास होता है, एसी करंट के लिए। तो अगर एसी करंट पास हो रहा है प्योर इंडक्टर है, सिर्फ एक्स एल है। अगर एसी करंट पास हो रहा है सिर्फ इंडक्टर है तो फिर आर भी है और एक्स एल भी है। लेकिन अगर प्योर इंडक्टर है या नहीं है और डीसी करंट पास हो रहा है, फिर तो एक्स एल का कोई काम है ही नहीं। एक्स एल का तो रोल ही तब शुरू होता है जब ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो सिर्फ आर ही आर है। फिर तो बात खत्म, ठीक है। यहाँ तक